हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और महामुकाबले के बारे में जो कि खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। फ्रेंड्स, ये जो मुकाबला होने वाला है वो एशिया कप का नेक्स्ट मुकाबला खेला जाएगा 2 सितंबर को दोपहर में 3 बजे से। फ्रेंड्स, मुकाबला कहाँ पर होगा? मुकाबला होगा पल्लिकली क्रिकेट स्टेडियम पल्लिकली के ग्राउंड पर। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हमें इस मैच का इंतजार था क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो एक अलग सा जुनून होता है मैच देखने में भी और फैंटेसी क्रिकेट खेलने में भी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेट्स के बारे में। उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। फ्री एंट्री आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उसी लिंक से आपको हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पल्लिकली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर ओनली स्टेट्स के बारे में। वनडे के यहाँ पर 32 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, उसमें से 14 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं पर 18 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते। तो जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती है उसे थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर 256 का रहा है, 373 हाईएस्ट बना है, 70 यहाँ पर लोवेस्ट बना है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 200 से कम रन हमें अभी तक यहाँ पर 6 बार देखने को मिले, लेकिन 200 से 249 के बीच में 7 बार, 250 से 299 के बीच में 10 बार और 300 से ऊपर 9 बार। तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकूल विकेट ही हमें नजर आता है। बात कर लें रिसेंट जो ओडीआई मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं उसमें कितना स्कोर बना है, तो आप देखोगे 318, 314, 294, 234, 220, 189 और 300 और 282। तो आप देखोगे पिछले जो 3-4 मुकाबले खेले गए उसमें 3 बार जो स्कोर बना है 300 या 300 के ऊपर का बना है, मतलब पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकूल विकेट नजर आता है। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो टोटल 132 मुकाबले हुए हैं हेड टू हेड के, उसमें 73 मुकाबले पाकिस्तान की टीम ने जीते, इंडिया की टीम ने 55 मुकाबले जीते हैं। पाकिस्तान की टीम ने पिछले अपने 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते, वहीं पर इंडिया की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 मुकाबले जीते। रिकॉर्ड के आधार पर थोड़ा पलड़ा पाकिस्तान का भारी नजर आ रहा है हेड टू हेड रिकॉर्ड के आधार पर, लेकिन टीम वाइज अगर हम बात करें तो प्लेइंग 11 इंडिया की कौन सी उतर सकती है? उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पर नोट करवा दूं, मैंने यहाँ पर केएल राहुल लिखा है क्योंकि काफी बार क्या होता है एडिटिंग पहले हो जाती है, जो स्टेट से वो पहले बन जाते हैं उसके बाद न्यूज निकल कर आती है। तो केएल राहुल इस मैच में नहीं खेलेंगे, इनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है, तो आप मान के चलिएगा ईशान किशन, केएल राहुल को यहाँ पर हटा दीजिएगा। तो यहाँ से हम बात करें रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, फिर विराट कोहली श्रेयस अय्यर, यहाँ पर ईशान किशन केएल राहुल नहीं है, फिर हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा शार्दुल ठाकुर जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। और फ्रेंड एक और ऑप्शन यहां पर है, मैंने मोहम्मद सिराज लिखा है, हालांकि पॉसिबिलिटी है कि शार्दुल ठाकुर को बाहर बिठाया जाए, इनकी जगह मोहम्मद शमी इस मैच में खेल सकते हैं, मतलब मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर इन 3 में से कोई 2 इस मैच में खेलने वाला है, हाई चांस सिराज तो इस मैच में खेलेंगे ऐसा लग रहा है, शार्दुल की जगह शमी टीम में आ सकते हैं। प्लेइंग 11 और स्टेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा पिछले कुछ मुकाबलों में 12 रन 8 रन 11 रन और 56 रन पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड के 16 मुकाबलों में 720 रन बनाए हैं 51 की एवरेज से। अगर इतने ही रन बना देते हैं तो बहुत अच्छा काम कह सकते हैं। इस ग्राउंड पर 3 मैचों में 182 रन बनाए हैं 51 की एवरेज से, तो भैया एवरेज तो इनका बहुत कमाल का है। ओडीआई के 245 मुकाबलों में 9837 रन, वो भी 49 की एवरेज से, तो भैया जो एवरेज रन है अगर वो ही बना लेना तो बहुत बड़ी बात हम मान के चल सकते हैं। शुभमन गिल की बात करें 9 रन 77 रन 6 रन और 7 रन पिछले 4 मुकाबलों में, 3 मुकाबलों में तो 10 का आंकड़ा भी इन्होंने नहीं छुआ था, हालांकि हेड टू हेड और इस ग्राउंड पर ये नहीं खेले, 27 ओडीआई में 1437 रन बनाए हैं 62 की एवरेज से, तो भैया एवरेज तो इनका अच्छा बोलता है। विराट कोहली की हम बात करें, रिसेंटली 2 शतक लगाकर आ रहे हैं विराट कोहली, फिर 18 रन 1 रन और 55 रन की पारी खेली है पिछले 5 मुकाबलों में। आप देखोगे शायद मैंने इसमें एक मैच का ऐड नहीं किया होगा, पिछले 5-6 मुकाबलों की बात करें 2 शतक 1 अर्धशतक इनके नाम है। हेड टू हेड में इनका 49 का एवरेज है, 13 मुकाबलों में 539 रन बनाए हैं 49 की एवरेज से, जबकि इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 30 रन बनाए हैं 10 की एवरेज से, तो ग्राउंड तो इनको पसंद नहीं आता है भाई साहब, लेकिन हेड टू हेड इनको पसंद आता है। और ओडीआई में 275 मुकाबले में 12898 रन है, वो भी 57 की एवरेज से। बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की, 38 रन प्लस 0 विकेट, लास्ट जो मुकाबला खेले थे उसमें इन्होंने गेंदबाजी भी की थी, फिर 28-28-3 और 82, हालांकि हेड टू हेड और इस वेन्यू पर नहीं खेले हैं। ओडीआई के 42 मुकाबलों में 1631 रन बनाए हैं, वो भी 47 की एवरेज से।
केएल राहुल को हटा दीजिएगा, केएल राहुल इस मैच में नहीं खेलेंगे। हार्दिक पंड्या 14 रन 0 विकेट, 0 विकेट 20 रन, 0 विकेट 24 रन 3 विकेट। हालांकि इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है जिसके लिए हार्दिक पंड्या जाने जाते हैं, लेकिन हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 122 रन बनाए हैं, वो भी 61 की एवरेज से, और 4 इनिंग में 5 विकेट भी लिए हैं, तो लेना बनता है। इस ग्राउंड पर पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन 2 इनिंग में 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। ओडीआई के 77 मुकाबलों में 1666 रन, 33 की एवरेज से 72 इनिंग में इन्होंने 73 विकेट निकाले हैं, तो भैया काम तो अच्छा करते हैं हार्दिक पांड्या। फिर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, 8 रन 8 रन 16+3, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं कह सकते इनकी, लेकिन हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में 116 रन, 23 की एवरेज से 9 इनिंग में इन्होंने 10 विकेट निकाले हैं, 177 मैचों का इनको अनुभव है, 2560 रन बनाए 33 की एवरेज से, 171 मैचों में इन्होंने गेंदबाजी की, 194 विकेट निकाले, तो जाहिर सी बात है लेना तो बनता है। शार्दुल ठाकुर रिसेंटली बहुत अच्छे विकेट निकाल कर आ रहे हैं, 38 मैचों में 58 विकेट भी इन्होंने निकाले हैं। फिर फ्रेंड्स हम बात करें यहां से, हाँ शार्दुल ठाकुर की हम बात कर रहे थे, 38 मैचों में इन्होंने 58 विकेट निकाले हैं। अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की, रिसेंटली बहुत अच्छे विकेट निकाल कर आ रहे हैं। आपको पता भी होगा रिसेंटली जो T20 हुआ था उसमें ये कप्तान भी थे और काफी अच्छा काम भी इन्होंने किया था। ओडीआई के 72 मुकाबलों में 121 विकेट निकाले, इससे ही पता चलता है कितनी बेहतरीन गेंदबाजी ये करते हैं। हेड टू हेड के 4 मुकाबलों में 5 विकेट लिए हैं, इस ग्राउंड पर 2 मुकाबलों में 9 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, ये बात नोट करके चलिएगा। कुलदीप यादव रिसेंटली इन्होंने भी शानदार काम किया है, 84 मैचों में 141 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, और हम इन दो प्लेयर से यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह का एक और प्रदर्शन हमें देखने को मिले। मोहम्मद सिराज की हम बात कर लेते हैं, तो भैया 24 मैचों में 43 विकेट निकाल कर आ रहे हैं मोहम्मद सिराज। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम से, पाकिस्तान की टीम से अगर मैं बात करूं तो भैया इमाम उलक है, फ़कर जमान, बाबर आजम बहुत ही कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं, बाबर आजम, हालांकि इमाम उलक भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फिर मोहम्मद रिजवान है, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शदाब खान, ओसामा मीर, शाहीन अफरीदी, नशीम शाह और हरीश राहुल, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम प्लेयर स्टेट्स की बात करें तो आप देखोगे इमाम उलग ने पिछले कुछ मुकाबलों में 13, हालांकि ध्यान रखना काफ़ी बार क्या होता है जब स्टेट्स बना रहे होते तब मैच रनिंग होता, जैसा कि नेपाल और पाकिस्तान का मैच रनिंग था, तो वो जो रिकॉर्ड है स्टेट जो है इसमें हमने काउंट नहीं किए, तो पिछले एक दो मुकाबलों के जो रिसेंट फॉर्म में हमने ऐड नहीं किए क्योंकि वो मैच रनिंग होते तो वो हम ऐड नहीं कर पाते। तो लास्ट के कुछ मुकाबलों में 13, 91, 61, 36, 90 बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड में 3 मैचों में सिर्फ 6 की एवरेज है, एवरेज खराब है हेड टू हेड में, इस ग्राउंड पर ये नहीं खेले हैं, जबकि ओडीआई के 62 मुकाबलों में 52 का इनका एवरेज है, 2884 रन इन्होंने बनाए हैं। फकर जमान 27, 30, 2, 0, 8 और 11, ये तो भैया हिट और मिस टाइप के प्लेयर है, चल गए तो चल गए भैया उसी टाइप के प्लेयर है, लेकिन हाँ 73 मुकाबलों में 3200 के लगभग रन बनाए हैं, वो भी 47 की, इनकी एवरेज, इनकी पता नहीं एवरेज कैसे आ जाती है, एक दो बड़ी पारियों में तब्दील कर देते हैं, इनको खेलता हुए मैंने थोड़ा कम ही देखा है। फिर हम बात करें बाबर आजम, 60 रन 53 रन 0, 6, 9 और 11 और रिसेंटली बॉल में शतक भी लगाया इन्होंने। अब बात कर लेते हैं यहाँ से ओडीआई रिकॉर्ड के बारे में, 103 मुकाबलों में 5200 रन बनाए हैं, वो भी 58 की एवरेज से। मोहम्मद रिजवान 67, 2, 21, 39, 4 और 27, फिर से नोट करा दूँ पिछले एक दो मुकाबले हमने ऐड नहीं किए क्योंकि वो मैच रनिंग होते हैं इसलिए। फिर आप देखोगे यहाँ से आगा सलमान, अगर मौका मिलता है इनको तो भैया इतना कोई अनुभव नहीं है लेकिन 44 का इनका एवरेज है। इफ्तिकार अहमद इनका 39 का एवरेज है। टोटल ओडीआई रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिसेंट फॉर्म भी आप आपके हिसाब से देखते जाइएगा। फिर हम बात करें यहाँ से शदाब खान, रिसेंटली इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, रन इन्होंने अच्छे बनाए और विकेट भी इन्होंने चटकाया था, इनका ओडीआई में 29 का एवरेज है, प्लस 57 इनिंग में 77 विकेट ये निकाल कर आ रहे हैं। ओसामा मीर की बात करूं तो इनका फॉर्म आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो हाईलाइट करने वाले प्लेयर हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा मैं डीपली कवर करूंगा। शाहीन अफरीदी 39 मैचों में 76 विकेट इन्होंने निकाले, रिसेंटली अच्छे विकेट निकाल कर आ रहे हैं। नसीम शाह 10 मैचों में 25 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने भी अच्छा काम किया है। फिर हम बात करें हरीश राहुल की, तो भैया रिसेंटली एक मैच में इन्होंने 5 विकेट भी लिए थे और 24 मैचों में 44 विकेट ये निकाल कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेरी टीम के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले विकेट कीपर सेक्शन में, उससे पहले टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की फ्री एंट्री मिलेगी, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूँ केएल राहुल नहीं है तो इनको रिमूव कर दीजिएगा।
यहां पर हमने मोहम्मद रिजवान को लिया है, ईशान किशन का भी ऑप्शन है, खेल सकते हैं हाई चांस ईशान किशन के, तो आप लेना चाहें तो टॉस के अकॉर्डिंग लेकर चल सकते हैं। बल्लेबाज मैंने चार लिए हैं, उसमें मैंने विराट कोहली को लिया है, बाबर आजम को लिया है, इमाम उलक को लिया है और शुभमन गिल को लिया है। लेकिन रोहित शर्मा का ऑप्शन है, रोहित शर्मा आप ले सकते हो, फकर जमान का ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर का ऑप्शन है, इफ्तिकर अहमद का ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत सारे आपके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। फिर यहाँ से मैंने तीन ऑलराउंडर्स लिए हैं, ऑलराउंडर में आप देखोगे रविंद्र जडेजा, शादाब खान और हार्दिक पंड्या को मैंने लिया है, मोहम्मद नवाज का ऑप्शन है, आप चाहे तो नवाज को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। तीन मैंने गेंदबाज लिए हैं, गेंदबाज में आप देखोगे जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी और हरीश राहू। हालांकि टॉस के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं, मोहम्मद शमी का बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर खेलते हैं तो आप मोहम्मद शमी को लेकर चल सकते हो, मोहम्मद सिराज का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो सिराज को लेकर चल सकते हो, हाई चांस है दोनों के खेलने के। और हाँ, एक और बेहतरीन ऑप्शन है, वो है यहाँ पर कुलदीप यादव का, अगर इंडिया टीम की पहले गेंदबाजी होगी तो यहाँ पर मैं कुलदीप यादव को लेकर चलूंगा। हालांकि ये दो गेंदबाज तो हमें लेने ही हैं, बुमराह और शाहीन अफरीदी, ये दो गेंदबाज तो हमें लेकर चलने ही हैं। तीसरा जो गेंदबाज हम लेंगे वो टॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, क्या हम कुलदीप यादव को लेंगे, क्या हम हरीश राउत को लेंगे, या मोहम्मद शमी या फिर मोहम्मद सिराज। ये एक प्लेयर थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहने वाला है, वो मैं आपको टॉस के बाद बताऊंगा टेलीग्राम पर। फिलहाल मैं यहां से लेकर चल रहा हूं, वो चल रहा हूं मोहम्मद सिराज को। कप्तान उपकप्तान की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, मेरे जो कप्तान होंगे वो होंगे विराट कोहली, वाइस कैप्टन होंगे बाबर आजम। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, या फिर आपकी जो रिस्की वाली टीम होती है उसमें शादाब खान और रविंद्र जडेजा, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है कप्तान उपकप्तान के लिए। तो चलिए टीम का प्रीव्यू देखते हैं और माई मास्टर 11 की टीम देख लेते हैं। तो दोस्तों मेरी जो टीम है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, मोहम्मद रिजवान, विराट कोहली, बाबर आजम, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, तो यहाँ तक तो मेरी टीम अच्छी नज़र आती है मुझे। फिर शादाब खान, शाहीन अफरीदी एक परफेक्ट टीम नज़र आ रही है। फिर यहाँ से शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, टॉस के अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहे तो भी आप कर सकते हो, जैसा कि ऑप्शन बहुत सारे, हरीश राउत का अच्छा ऑप्शन है, कुलदीप यादव का अच्छा ऑप्शन है, मोहम्मद शमी का अच्छा ऑप्शन है, तो आप ये तीन प्लेयर में से भी अगर आप चाहें तो इन दो प्लेयर को हटाकर तीनों गेंदबाज लेकर चल सकते हो। बल्लेबाजी में बढ़ाना चाहें तो रोहित शर्मा को आप ले सकते हो, लेकिन हाँ, इमाम उलक की फॉर्म को देखते हुए इमाम उलक को मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। हाँ, मोहम्मद सिराज को आप चेंज कर सकते हो, इनकी जगह आप किसी दूसरे प्लेयर को अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। कप्तान उपकप्तान की बात करूँ, मेरे जो कप्तान होंगे विराट कोहली और बाबर आजम होंगे कप्तान उपकप्तान। अब बात कर लेते हैं माई मास्टर 11 की टीम के बारे में। तो दोस्तों ये मेरी माई मास्टर 11 ऐप की टीम है, सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, बहुत कमाल का ये ऐप है। इस ऐप की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो लीडर बोर्ड चल रहा है उसमें आप कार जीत सकते हो, एक एक नहीं दो दो तीन तीन कारें, बाइक, आईफोन और बहुत सारे प्राइजेज है लीडर बोर्ड में। CPL का यहाँ पर लीडर बोर्ड चल रहा है, एशिया कप का यहाँ पर लीडर बोर्ड चल रहा है, दूसरा भी यहाँ पर बहुत सारे, मतलब जो भी बड़े मैचेस होते हैं लीडर बोर्ड चलते रहते हैं। रोजाना यहाँ पर आपको फ्री एंट्री भी मिलती है, एक रुपया देने की जरूरत नहीं है, फ्री में खेलकर आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो। लिंक इस ऐप की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार डाउनलोड करके ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अब माई मास्टर 11 की जो टीम है वो आप देख सकते हो, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इमाम उलक, विराट कोहली, शुभमन गिल, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। यहां पर मैंने हरीश राउत को लिया है, हरीश राउत की जगह अगर पहले इंडिया की गेंदबाजी होगी तो मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी या कुलदीप यादव, उनमें से भी हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। तो ये जो स्लॉट है ये हम टॉस के बाद में डिसाइड करेंगे। फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।